नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण इस बार 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन लगने जा रहा है। इस बार ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और लगभग सभी शहरों में दिखाई देगा, तो इस कारण से इसके जो धार्मिक प्रतिबंध हैं वो भी लागू होंगे और सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले का होता है, तो इस कारण से चंद्र ग्रहण का जो सूतक का समय है वो शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आप उससे पहले कुछ अपने लिए तुलसी दल अपने भोजन में मिलाने के लिए तोड़ के ज़रूर रख लें। इसके साथ ही जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो रात में 1 बजे से शुरू होगा और 2:24 तक रहेगा। तो इस समय पे जो ग्रहण का समय है, यहाँ मंत्रों का जप करने से आपके चंद्रमा को बल मिलता है और इसके साथ ही आपका चंद्रमा शुभ प्रभाव भी देता है। इसके साथ साथ दान का भी अपना ही महत्व है। तो इस समय में, ग्रहण के समय में, आपको दान का संकल्प ज़रूर लेना चाहिए और ग्रहण का समय पूरा होने के बाद स्नान करके, जल में गंगा जल मिला के स्नान करने के बाद आपको ज़रूरतमंदों को दान भी ज़रूर देना चाहिए। अगर ये दान आप अपनी राशि के अनुसार देते हैं तो इसका भी आपके जीवन पे एक अलग प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है और चंद्रमा अगर आपका मजबूत होता है तो वो आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे आपका कंट्रोल भी होता है और आप सही फैसले भी ले पाते हैं, जल्दी दुखी नहीं हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं हो जाते हैं। तो हमारे चंद्रमा को मजबूत होना, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा दूषित है या पीड़ित है या किसी तरह के नेगेटिव प्रभाव में है तो इस समय पे, ग्रहण के समय में, आपको मंत्रों का जप तो करना ही चाहिए और इसके साथ ही संकल्प लेके दान भी ज़रूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि राशि के अनुसार आपको इस ग्रहण के बाद, चंद्र ग्रहण के बाद, कौन सी चीज़ें दान में देनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के बाद चावल का दान ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी कष्ट है वो दूर ज़रूर हो सके। इसके साथ ही बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के बाद दही का दान ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो मानसिक कष्ट है, वो भी दूर ज़रूर हो। बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लोगों को खास तौर पे गाय की सेवा तो करनी ही चाहिए और इसके साथ ही आप खीर का दान भी कर सकते हैं। कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो खुद चंद्रमा ही होते हैं, तो आपको दान में चावल और चीनी का दान ज़रूर करना चाहिए। वहीं बात करें सिंह राशि के बारे में, तो सिंह राशि के जातकों को शक्कर का दान ज़रूर करना चाहिए इस समय में, जिससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो मानसिक कष्ट हैं, वो दूर ज़रूर हों। और इसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, सभी राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दिन आपको ग्रहण के समय पे खास तौर पे अपने इष्ट देव का मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए, या फिर अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला है तो आपको उसका जप ज़रूर करना चाहिए, या फिर आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था, तो आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप भी ज़रूर कर सकते हैं। खास तौर पे आपको भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए अगर आपके जीवन में खास तौर पे हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों को आटे का दान ज़रूर करना चाहिए, ग्रहण के बाद स्नान करने के बाद आपको आटे का दान ज़रूर करना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस दिन ग्रहण के बाद दूध और शक्कर का दान करें। वहीं वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैसे का दान ज़रूर करें, और इसके साथ ही अगर आपके लाइफ में कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कि बार बार आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन प्रॉफिट की जगह आपको लॉस होता है, तो आप कोशिश करिए कि आप पैसों का दान करें और इसके साथ ही आपको दूध का दान भी ज़रूर करना चाहिए। वहीं बात करेंगे धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातकों को इस समय पर दूध का दान ज़रूर करना चाहिए, वहीं आप चीनी का दान भी कर सकते हैं।
बात किया जाएगा कि कुंभ और मकर और कुंभ राशि के जातकों को इस समय पे ग्रहण के बाद किस चीज़ का दान करना चाहिए। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि या तो आप पानी का प्याऊ लगवा सकते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे लगवाइए जहाँ पर जो मेहनतकश लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे रिक्शा पुलर हो गए या कंस्ट्रक्शन के काम में जो लोग लगे रहते हैं मज़दूर, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। और इसके साथ ही आप खीर का दान भी कर सकते हैं। वहीं बात की जाए मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि के जातकों को इस समय पे अगर कोशिश करिए, अगर आप पका हुआ भोजन लोगों को बांट सकें तो इस समय आप कोशिश करें कि आप भोजन कराएं किसी को, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो आपके लिए तो आप आटे का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा कि आपको अपनी राशि के अनुसार किस चीज़ का दान करना चाहिए, तो आपको इस समय पे गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। और इसके अलावा आप ज़रूरतमंद को दूध, दही, शक्कर, चीनी, आटे का दान कर सकते हैं। लेकिन संकल्प लें और सामग्री पहले से ही इकट्ठा करके रख लें, और उसके बाद चंद्र ग्रहण के पूर्ण हो जाने के बाद स्नान करके, जल में गंगा जल मिला करके स्नान करने के बाद अपनी जो ये चीज़ें, जो सामग्री आपने इकट्ठा की है, उसको दान स्वरूप आप ज़रूर दें। और ख़ास तौर पे याद रखें कि मंत्रों का जप ज़रूर करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।